कुछ स्पेशल डे है अपने लिए, रोना एलएफजी का बर्थडे है यार। तो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, द व्लॉगर अर्जुन इज हियर, मैं आपका साथ करता हूं मिशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज कुछ स्पेशल डे है अपने लिए, मतलब द्रोणा एलएफजी का बर्थडे है यार। सॉरी लाइट्स थोड़ी कम आ रही है। आज द्रोणा एलएफजी का बर्थडे है तो अपन वहाँ पे जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, तो थोड़ा केक वेक ला रहे हैं उनके दोस्त और हम भी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है उनका बर्थडे। सो लेट्स गो, मैं आपको मिलता हूँ प्रणव भैया के घर। तो चलो ओके। सो गाइस अभी अपन चलते हैं केक लाने। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे जा रहे हैं अपन किसी शॉप में जाते। और ये है बॉबी भैया। क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा खून खोल उठता है। तो लेट्स गो, चलते हैं देखते हैं केक लेते हैं कैसा है कैसा नहीं। लेकिन शायद से हम पहले उधर जा रहे प्रणव भाई के घर, फिर केक लेने जाएंगे बाद में, चलते हैं देखते हैं। सो लेट्स गो गाइस, अपन आ गए पिस्ता शॉप में और अभी चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं कौन सा केक लेंगे कौन सा नहीं। ए कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। केक अपन ने ले लिया है प्रणव भैया के लिए और अभी अपन चलते हैं प्रणव भैया के घर। ओके सो गाइस, अपन ने लिया हुआ केक अभी महेश भैया के घर पे रखा है अपन ने और अभी अपन प्रणव भाई के घर पे चलते हैं। उनका फ़ोन आया था, उनके सारे दोस्त आ चुके हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग रुके हैं और अभी मैं और महेश भैया और बॉबी भैया और शिवम भैया अभी हम वहाँ पे चलते हैं एंड देखते क्या होता है। फिलहाल तो शिवम भैया और बॉबी भैया बाहर गए इसलिए हम दोनों अभी उनके घर पे जाते हैं एंड चलो लेट्स गो, चलते हैं एंड देखते हैं। सो चलो गाइस, ये द्रोणा एलएफजी यहाँ पे रुके हुए हैं और ये साहिल धानीवाल। ये क्या है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। स्वागत है मेरे घर में, आइए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। रुको जरा, सबर करो। कि ऋषभ भैया ने प्रणव भैया को गिफ्ट दिया है। ओ तो ये ट्राइपॉड है। भाई एक्चुअल में वो ट्राइपॉड नहीं, चैंपियन है। यू आर राइट ब्रो, ठीक है बात है, समझ लो यार। चल झूठा। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Okay, so guys, अभी अपन यहाँ पे आ चुके हैं और ये अंश पाव भाजी कॉर्नर पे हम आ चुके हैं। और ये नाम नहीं है, ये नीचे का मतलब यहाँ पे नूडल्स मिलते हैं, आप देख सकते हो। और अभी हम सब जन यहाँ पे खाते हैं कुछ ना कुछ, सो लेट्स गो, चलते हैं एंड खाते हैं। वो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं हमारे मंडली, और ये साहिल दादा, थोड़ा सा डर लगता है। राजा जी क्या लग रहे हो? अरे द्रोणा एलक जी, हैप्पी बर्थडे विश कर देना भाई को। थैंक यू, मेरे तरफ से थैंक यू। पराग भैया, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। ओके ओके, सो गाइस, अभी भाई का दूसरा केक आ गया जो अपन ने वो पहले घर पे रखा था, तो अभी अपन चलते हैं उनके पास। तो चलो। पता है बर्फ पड़ने वाली बदल लिया साला। काम कर रहे हैं ये। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। यवतमाल में इनकी दुकान में आया था हम,
Arches beats. So let's go, निकलते हैं घर के लिए. तो इस वीडियो को एंड करते हैं. पसंद है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. So उमेश दा के साथ बाय बाय. धन्यवाद और नमस्कार.